नमस्कार दोस्तों, आपका आप सभी के अपने चैनल पीएस क्लासेस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी के पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिंदी के पेपर के खंड क को डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम खंड ख को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि खंड क को डिस्कस करने के बाद खंड ख डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों, क्योंकि मेरे घर के आसपास डीजे बज रहा था, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो चलिए खंड ख को शुरू करते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 2 से ये शुरू था। इसमें सबसे पहले हमें निर्देशानुसार उत्तर लिखने थे। तो प्रश्न 2 में 4 पार्ट थे, चारों जो है एक एक नंबर के थे। तो क में कहा गया था, जैसे ही बत्ती हरी हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। हमें इसको संयुक्त वाक्य में बदलना था। तो इसका उत्तर दोस्तों आएगा, बत्ती हरी हुई और सारे वाहन चल पड़े। तो इसका उत्तर बनेगा, बत्ती हरी हुई और सारे वाहन चल पड़े। चलिए ख की बात करते हैं, वे दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। हमें इसको सरल वाक्य में बदलना था। तो इसका उत्तर आएगा, उनका दिल्ली में बीमार रहने का कारण पता नहीं चला। उनका दिल्ली में बीमार रहने का कारण पता नहीं चला। चलिए ग की बात करते हैं। ग में कहा गया था, वे रिश्ता बनाकर तोड़ते नहीं थे। तो इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना था। तो इसको जब आप मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, वह जो रिश्ता वह जो रिश्ता बनाते थे वो तोड़ते नहीं थे। वो तोड़ते नहीं थे। तो इसका मैं बोलकर ही आपको बताता हूं, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वह जो रिश्ता बनाते थे वो तोड़ते नहीं थे। चलिए घ की बात करते हैं। घ में कहा गया है, शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। तो इसमें हमें आश्रित उपवाक्य छांटकर भेद लिखना था। तो इसका आश्रित उपवाक्य है, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। और इसका भेद क्या आएगा, मिश्र वाक्य। चलिए प्रश्न 3 की बात करते हैं। इसमें कहा गया था, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो क में था, दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया। हमें इसको कृतवाच्य में बदलना था।
तो इसका उत्तर आएगा दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। तो इसका उत्तर है दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। ख में पूछा गया था महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया, हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना था। तो इसका उत्तर आएगा महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया गया। तो को के बाद क्या लिखेंगे, शांति और अहिंसा का संदेश दिया गया। चलिए ग की बात करते हैं। ग में था मच्छरों के कारण हम रात भर सो ना सके। तो इसको जब भाववाच्य में बदला जाएगा तो उत्तर बनेगा मच्छरों के कारण हमसे रात भर सोया न जा सका। घ की बात करते हैं। घ में कहा गया था गाइड द्वारा हमें सब कुछ समझा दिया गया। तो इसका उत्तर लिखना था कृतवाच्य में बदलकर। तो इसका आंसर आएगा गाइड ने हमें सब कुछ समझाया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। तो क था आशिमा, तो हमें इसका पद परिचय लिखना था। तो इसका पद परिचय होगा संज्ञा, और संज्ञा कौन सी होगी, ये व्यक्तिवाचक। इसके अलावा स्त्रीलिंग, एकवचन और कर्ता। तो संज्ञा, संज्ञा कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और स्त्रीलिंग त्रिलिंग के साथ साथ एकवचन और कर्ता भी। नेक्स्ट था वाह। तो वाह की बात करें, ये है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक अव्यय। नेक्स्ट, शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है। तो हमें एक पर इसका जो है पद परिचय लिखना था। तो ये है विशेषण और कौन सा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण।
और साथ में एक वचन और पुलिंग। घ, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तो तुम इसमें है सर्वनाम, उत्तम, पुरुषवाचक सर्वनाम, एकवचन और पुल्लिंग। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में हमें कहा गया था कि किन्हीं चार के उत्तर देने हैं। तो चलिए चारों की बजाय मैं आपको पांचों के उत्तर देता हूं। क में कहा गया था निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। तो हाथ में घाव थे चार, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी। उसी हाथ से कोर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। तो इसमें हमें काव्य पंक्तियों में रस पहचानना था कौन सा रस है। तो इसमें रस था विभत्स रस। तो इसका उत्तर आएगा विभत्स रस। ख में वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। तो ये उदाहरण थोड़ा बड़ा है, मैं आपको बोलकर ही बता देता हूं इसका उदाहरण क्या लिखना था। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये वीर रस का एक उदाहरण था। आप अपनी तरफ से भी कोई वीर रस का कोई और उदाहरण भी दे सकते थे। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका उत्तर था रौद्र रस। तो रौद्र रस इसका उत्तर है। विभाव किसे कहते हैं? तो जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो उसे विभाव कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? विभाव किसे कहते हैं? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका उत्तर है हास। तो दोस्तों ये थी हिंदी पेपर के खंड ख के व्याकरण के उत्तर। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी के उत्तर सभी सही होंगे, आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो में क्या कमी रह गई है। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।